खबर सिंगरौली से है, जहां एक दर्दनाक हादसे में जीजा साले दो लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब बाइक सवार तियरा गांव से वापस अपने गांव छत्तीसगढ़ लौट रहे थे। तभी मकरोहर झांसी टोला पहुंचते ही एक बेलगाम हाईवा ने बाइक सवारों को कुचल दिया। इस हादसे में जीजा साले दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। देरी से पुलिस के आने से आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। इस पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश देकर चक्का जाम खुलवाया। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ निवासी कृष्ण कुमार बैस अपनी पत्नी एवं साला के साथ किसी काम से शासन चौकी क्षेत्र के ग्राम तियरा गया हुआ था। जब वह वापस अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते के मकरोहर क्षेत्र के झांसी टोला के पास एक बेलगाम तेज रफ्तार हाईवा ने कुचल दिया। हादसे में कृष्ण कुमार वैस एवं उसके साले की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि मृतक कृष्ण कुमार की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई है। हादसे की जानकारी मिलने पर आसपास के क्षेत्र के ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए। एम्बुलेंस व पुलिस के देरी से आने को लेकर लोगों ने रोड पर चक्का जाम कर दिया। स्थिति संभालने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को समझाइश देकर चक्का जाम खुलवाया। जिले में जो हाईवे चल रही है उसमें प्रशासन अंकुश तो लगा रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ की जो स्थिति है इस पर भी अंकुश लगाया जाएगा। अगर स्पीड ज्यादा कोई ले जाता है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी मृतकों को क्या दिया गया है इन्हें सहायता राशि? मृतकों की सहायता राशि अभी तात्कालिक रूप से जो दी जा रही है 50,000 रुपए, और उसके अलावा जो है उनको संबल योजना में पंजीयन है तो दिया जाएगा। और जैसे बताया जा रहा सर कि रॉयल्टी भी नहीं रहती है गाड़ी की, उसमें चेकिंग भी नहीं हो रहा है, उसके लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। सर आपका नाम? बीपी पांडे।